का रुख करेंगे जहां पर एलपीजी उपभोक्ताओं को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। घरेलू सिलेंडर 50 रुपए महंगा हुआ है, 1,006.50 रुपए की जगह अब 1,056.50 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। कमर्शियल सिलेंडर जो है 8.50 रुपए सस्ता हुआ है, अब 2,038 रुपए में कमर्शियल सिलेंडर मिलेगा। एक बार फिर से बता दें कि जयपुर से खबर है, एलपीजी उपभोक्ताओं को महंगाई के एक और बड़ा झटका लगा है। घरेलू सिलेंडर जो है 50 रुपए महंगा हुआ है, एक बार फिर से महंगाई का दौर चला है। इससे पहले भी कई बार सिलेंडर की कीमतों में इजाफा दर्ज किया गया है। इस बार अगर बात की जाए कि सिलेंडर जो है घरेलू उपभोक्ताओं को कितने में मिलेगा, तो 1,006.50 रुपए जो मिलता था अब 1,056.50 रुपए में मिलेगा। दीपक हमारे साथ जुड़े हैं, दीपक एक और महंगाई का झटका। देखिए प्रदेश में करीब 1,66,00,000 से ज्यादा एलपीजी के उपभोक्ता हैं, और जब सुबह सुबह जो तेल कंपनी अपने रेट को रिवाइज करती है तो उसमें एलपीजी जो घरेलू सिलेंडर के दाम है उसमें 50 रुपए का इजाफा किया है। यानी कि अब तक जो सिलेंडर 1,006.50 रुपए में मिलता था वो अब 1,056.50 रुपए में मिलेगा। यानी कि सीधा सीधा 50 रुपए का महंगाई का झटका 1,66,00,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं को पड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ जो कॉमर्शियल सिलेंडर है उसके दामों में पिछले 6 दिनों में करीब 200 रुपए की कमी की गई है। 1 जुलाई को 191 रुपए कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों में कमी की गई थी, वहीं आज 8.5 रुपए कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों में कमी की गई है। यानी कि 200 रुपए का इजाफा किया गया है, 2,036 के करीब। दीपक जब कमर्शियल सिलेंडर के रेट्स बढ़ते हैं तो सीधा सीधा असर हम बोलते हैं कि घरेलू सिलेंडरों को या फिर उपभोक्ताओं को भी पड़ता है, लेकिन अभी यहाँ पर कमर्शियल सिलेंडर जो है 8.50 रुपए सस्ता हुआ है, तो क्या इसका असर जो है वो डोमेस्टिक सिलेंडर पर नहीं पड़ेगा? देखिए जो घरेलू सिलेंडर है वो उस पर सब्सिडी भी अब आना बंद हो गया है। केवल उज्ज्वला के जो सिलेंडर हैं, उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारी है करीब 66,00,000 के करीब, उनको ही सब्सिडी का फायदा मिलता है। लेकिन जो करीब 1 करोड़ जो लाभार्थी, 1 करोड़ से ज्यादा जो लाभार्थी जो सीधे एलपीजी कनेक्शन लेते हैं, जिन्होंने सब्सिडी कह सकते हैं जो उज्ज्वला के दायरे में नहीं आते हैं, उनको 50 रुपए का ये बड़ा झटका लगा है। लेकिन कहीं ना कहीं उज्ज्वला जो लाभार्थी हैं उनको अब सब्सिडी का जो पैसा है वो ज्यादा मिलेगा उनके लिए, ठीक है। लेकिन जो घरेलू उपभोक्ता हैं जो उज्ज्वला के दायरे में नहीं आते हैं और जिन्होंने सब्सिडी छोड़ रखी है, और अघोषित तौर से 2020 से अप्रैल से जब से कोरोना की लहर आई थी उससे अघोषित तौर से तेल कंपनियों ने सब्सिडी देना बंद कर दिया था, तो लगातार जो सब्सिडी का जो पैसा लोगों को मिलता था तो उस लोगों को लगता था कि शायद उनको सिलेंडर के लिए इतना चुकाना पड़ेगा लेकिन सब्सिडी का पैसा वापस उनको बैंक के वापस रिटर्न हो जाएगा। लेकिन सब्सिडी है अघोषित तौर से बंद कर रखी है, इसके लिए पूरा भुगतान 1,056 रुपए उपभोक्ताओं को अब करना पड़ेगा। यानी कि किचन में खाना बनाना भी अब महंगा हो गया है, और जो गैस की जो लो है, गैस की जो आंच है और उस पर जो तड़का लगता है वो भी अब महंगा हो गया है। यानी कि सीधा सीधा 1,056 रुपए अब उपभोक्ताओं को यदि गैस सिलेंडर लेना है तो सीधा सीधा 1,056 रुपए उनको देने होंगे। लेकिन बड़ी चीज ये है कि कॉमर्शियल सिलेंडर ये कब तक रहेगा, क्योंकि लोग महंगाई की मार लगातार झेल रहे हैं और महंगाई की मार के कारण लोगों जो एलपीजी की जो बिक्री है वो भी कम होती गई है, क्योंकि लोगों ने अब कह सकते हैं कि सीमित मात्रा, सीमित संसाधनों में या कह सकते हैं सीमित काम में लेना शुरू कर दिया एलपीजी को। तो ऐसे में एलपीजी बिक्री का ग्राफ है वो यदि महंगाई होती है तो ग्राफ नीचे गिर जाता है। अब देखना ये होगा, क्योंकि आज से ये लागू हुआ है तो दोपहर जब आज जिस दिन उपभोक्ताओं ने पहले बुकिंग करा रखी है उनकी सभी की बुकिंग है रद्द कर दी जाएगी, और जो नए रेट है, नई जो दरें लागू हुई हैं उन नई दरों से आज से उपभोक्ताओं को 1,056 रुपए में घरेलू सिलेंडर, नई दरें जो है वो आज से ही लागू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए।